अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके DLED तृतीय सेमेस्टर 2019 या दोस्तों आपका BTC तृतीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपके सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट्स को लेकर। देखिए दोस्तों, काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी सर इसकी वीडियो आनी चाहिए। तो दोस्तों आपके पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सिर्फ उन्हीं को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये आपके सीरीज की आज पार्ट वन आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सबसे पहले दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिल सके और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करते हुए रहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि जजिया कर समाप्त किया था। तो दोस्तों कितने किया था, सभी बच्चों को पता होगा अकबर ने। तो आपके टीवी पर एक सीरियल आता था, अगर आपने देखा हो दोस्तों, जोधा अकबर के नाम से। तो जिन बच्चों ने देखा होगा तो उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा अकबर के बारे में। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो दोस्तों बाबरनामा नाम से ये पता चल रहा है कि हमारा इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाबर। अब दोस्तों तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, ताजमहल का निर्माण कराया था, किसने कराया था दोस्तों, शाहजहां ने। सभी बच्चों को पता होगा ताजमहल के बारे में। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी किस चीज की दोस्तों, मिली थी संगीत में। ध्यान है ना दोस्तों, आपको याद रखिएगा नहीं तो आप लोग चित्रकला या कुछ और। अब देखिए दोस्तों जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता तानसेन के बारे में, तो वो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ तुक्का नहीं चलेगा दिमाग भी चलेगा। सिक्स नंबर दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर ने। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न क्या दिख रहा है, शेरशाह का प्रमुख, ठीक है, शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं। आठवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका सहसराम में, शेरशाह का मकबरा सहसराम में। नाइन नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा इसको देखते हैं अब हम लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों। इसका आंसर है आपका 1526 ईस्वी में। दसवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बाबर ने, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य बाबर ने लाया। तो उसके बाद दोस्तों आपका अकबर है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था, राणा सांगा। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका खानवा में युद्ध हुआ था, कहां पर आपका खानवा में। अब 12 नंबर दोस्तों प्रश्न हम लोग देखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बाबर। 13 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका तुर्की में। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इसका आंसर। अब दोस्तों देखते हैं 14वां क्वेश्चन आज का क्या हमारा, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे कौन थे दोस्तों आपके, शिवाजी। ये तो नाम बहुत ही प्रचलित है, सभी बच्चों को पता होगा। अब दोस्तों बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में, पानीपत का युद्ध मराठों के लिए सिद्ध हुआ, क्या हुआ था दोस्तों पानीपत का युद्ध के बाद क्या हुआ। तो दोस्तों ये मराठों के लिए बिल्कुल घातक युद्ध सिद्ध हुआ था ये। 16 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, मुगल काल की साहित्यिक कृतियां हैं कौन कौन सी दोस्तों, गंगा लहरी हुमायूं नामा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका आ और ब दोनों। 17 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता थी, ठीक है, क्या विशेषताएं थी दोस्तों, इसमें गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी, मेहराब गोल होते थे, अलंकरण की प्रधानता थी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब दोस्तों देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए, ठीक है दोस्तों, बरसात के कारण भाई सब मामला बिगड़ गया। 19 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें थी कौन सी दोस्तों, थी रथ गंगाधर और गंगा लहरी। इसको आपको याद रखना है, नहीं तो आप लोग गलती कर सकते हैं, तो इसलिए आपका विकल्प नंबर 7 सही होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का 20वां क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए 20 नंबर प्रश्न रहा आपका कि शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों में सबसे प्रमुख कौन सी थी दोस्तों, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल और दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जामा मस्जिद और दोस्तों ताजमहल इसको तो बहुत आप लोग अच्छे से ही जानते होंगे और मोती मस्जिद को थोड़ा कम जानते होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है,
तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है आपका कि शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ कब दोस्तों हुआ था, इसका आंसर कब होगा, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक। अब दोस्तों बात करते हैं 22 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया है दोस्तों, ये आपको बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1761 ईस्वी में पानीपत का आपका तृतीय युद्ध लड़ा गया। अब दोस्तों बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, औरंगजेब और शिवाजी के बीच पोरबंदर की संधि कब हुई थी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 1665 ईस्वी में। देखिए दोस्तों ये सब सन को आपको थोड़े अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि जब ज्यादा हो जाते हैं ना तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को पेपर देने से कम 2 से 3 बार, या अगर आपकी इतिहास सामाजिक अध्ययन ज्यादा कमजोर है तो दोस्तों 10 से 15 बार दोस्तों आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी, तो ए विकल्प सही था ना शिवाजी। अब दोस्तों देखते हैं 22-25 नंबर क्वेश्चन, दादा कोड़देव कौन थे, तो दोस्तों दादा कोड़देव आपके थे शिवाजी के शिक्षक जी, तो शिवाजी के शिक्षक का नाम आपका था दादा कोड़देव। अब 26 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, शिवाजी का दोस्तों जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका 1627 ईस्वी में। ठीक है देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 शिवाजी का जन्म आपका 1627 ईस्वी में हुआ था, और दोस्त एक और क्वेश्चन शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे या थे, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 8, उस समय दोस्तों इनके में मंत्री भाई 8 लोग मंत्री हुआ करते थे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र, है ना ध्यान होगा आपको। 29 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा शिवाजी की राजधानी आपकी थी रायगढ़। 30 नंबर दोस्तों प्रश्न हम देखेंगे हम लोग, शिवाजी ने भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर मुगल क्षेत्रों में लगाए थे वे हैं कौन कौन से दोस्तों, वे हैं दोस्तों आपके सर देशमुखी, ठीक है ना दोस्तों ये याद रखना है आपको। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों का भी आपका क्या है, वास्को डिगामा भारत आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भाई भारत आया था ना। 32 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मलायादीप। 33 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के मार्ग की खोज किसने की थी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा वास्को डिगामा, चाहे भारत की खोज की है चाहे भारत के मार्ग की गई है। 34 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाली प्रथम यूरोपीय जाति थी, इसका आंसर है दोस्तों आपका पुर्तगाली, ठीक है ना पुर्तगाल। 35 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न क्या रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया काफी फेमस है अगर आपको ध्यान में होगा तो। 36 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, इसको देखते हैं, डचों ने पुर्तगालियों को हटाकर माल्टा पर अधिकार कर लिया कब किया था दोस्तों, इसका आंसर देना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1500 ईस्वी में, ठीक है। अब 37 नंबर दोस्तों हम प्रश्न देखेंगे, महारानी एजिलाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी, कब मांगी थी दोस्तों, इनका आंसर हो जाएगा आपका 1600 ईस्वी में, ठीक है। 38 नंबर दोस्तों प्रश्न अब देखेंगे हम लोग, पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए कहां पर दोस्तों, गोवा में, दमन में, द्वीप में, या उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। 39 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं, बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका युद्ध हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 1765 ईस्वी में, याद रखना है दोस्तों क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग रहते हैं, देखिए बक्सर का युद्ध 1764 फिर 65, तो ध्यान से आपको दोस्तों ध्यान देना है, पढ़ते जाना है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था दोस्तों, 1746-48 ईस्वी में, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है। फिर दोस्तों 42 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डुप्ले, पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था आपके, डुप्ले थे। 43 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या हमारा, डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1754 में। 44 नंबर दोस्तों हम प्रश्न देखेंगे, अब 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी,
इसका आंसर होगा दोस्तों किलेबंदी नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो आपका 1763 ईस्वी में हुआ था ना मैटर कि फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं सिर्फ किलेबंदी नहीं करेंगे इसलिए वापस कर दी गई थी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। देखिए प्लासी का युद्ध काफी फेमस है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला तथा क्लाइव। ठीक है ना, प्लासी का युद्ध दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है दोस्तों 46 नंबर, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1757 में। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1798 ईस्वी में। ठीक है ना, लॉर्ड वेलेजली। अब दोस्तों 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, पिंडारी कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका लूट मार करने वाले को पिंडारी कहा जाता था। ठीक है ना, ये पिंडारी वही थे लूट मार करने वाले। 49 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स आपके भारत के गवर्नर जनरल बन गए। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम सिख युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1845 ईस्वी में। तो दोस्तों पहले 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप दोस्तों शुरू से वीडियो देखते हैं और आपको समझ में आने लगता है कि हमारे इतने सही और इतने गलत हो रहे हैं, तो इससे एक आपको ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि आपको तुक्का लग रहे हैं या नहीं। काफी बच्चे तुक्के के भरोसे चले जाते हैं कि चलो एक दो क्वेश्चन तुक्का मार के सही कर लेंगे, लेकिन दोस्तों इसकी भी प्रैक्टिस की जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके 50 में कम से कम नहीं तो 10 प्रश्न सही हुए होंगे। अगर 10 से अगर आपके सही ज्यादा सही हो रहे हैं, 10 सही हो रहे हैं तो आप ठीक ठाक स्थिति में हैं। अगर 10 से कम क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो दोस्तों आपको मेहनत की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हम लोग कि 51 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न क्या रहा, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है कौन था दोस्तों प्रथम। कहीं तो दोस्तों हम लोग आगे हैं। 52 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं, बेला डीला लव अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, बेला डीला। 53 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा इसको देखते हैं, एक बड़ा जल विद्युत शक्ति केंद्र शीघ्र और सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों इसको याद रखिएगा, जो आपका एक बड़ा जल विद्युत शक्ति केंद्र होता है वो शीघ्र और सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, सागर सम्राट है कौन दोस्तों आपके तेल खोज चलयान। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है, आपके सागर सम्राट कौन है, तेल खोज चलयान। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया है कहां पर दोस्तों आपका, कल्पक्कम में। ठीक है ना, 56 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है इसको देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका रानीगंज, ये आपका खनिज तेल क्षेत्र नहीं है। 57 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोलार किस प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, कर्नाटक में आपका कोलार है। अब दोस्तों बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों आपको ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1902 में, जो आपका कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर 1902 में आपका प्रारंभ हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं आपका 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं। ये आपको बताना है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्र सूची, रेलवे तथा बैंक ना। अब 60 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य सूची। अब बात करते हैं दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 543। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 62 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष, 206 वर्ष, ध्यान में रखना है आपको। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी कब से लागू हुआ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से आपका जीएसटी लागू कर दिया गया। 64 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है उच्चतम न्यायालय। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 65, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने आयु का होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका 65 वर्ष, 65 साल के होते हैं। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति।
जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। 67 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है कौन? कर सकता है दोस्तों जनहित याचिका को, पहला आपका है पीड़ित पक्ष या कोई भी नागरिक या स्वयं न्यायालय या उक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उक्त सभी। अब दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, निम्न में से किस कर को केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मनोरंजन कर, इसको केंद्र सरकार नहीं लगाती है। अब दोस्तों बात करते हैं 69 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका आयकर। भाई अगर आप ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो पैसा तो आपको ही भरना पड़ेगा ना। अब दोस्तों बात करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं, निम्न में से कौन सा बैंक के प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका साहूकार, ये तो बैंक नहीं है ना आपके साहूकार जी। ठीक है 71 नंबर दोस्तों कौन सा हमारा, 71 क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से हैं आपको दोस्तों ये बताना है। देखिए नोट निर्गमन का कार्य, सरकार का बैंक, विनिमय दर को स्थिर रखना, उक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा उक्त सभी। 72 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, संसद के निम्न सदन को हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका दोस्तों लोकसभा, और 100 संसद के उच्च सदन को हम बोलते हैं राज्यसभा। 73 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सबको पता दोस्तों नई दिल्ली, ठीक है न्यू दिल्ली। 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमने दोस्तों अभी देखा था राष्ट्रपति जी। 75 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी के कितने भाग में जल है? तो दोस्तों सभी बच्चों को पता है 3/4। ठीक है इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, 3/4 का मतलब दोस्तों 3/4 ना, मतलब 1/4 पर दोस्तों हम लोग रह रहे हैं और 3/4 में भाई पानी है, मतलब पानी ज्यादा है लेकिन दोस्तों खारा होता है समुद्र का पानी, देखते हैं। लेकिन दोस्तों बात भी हुई थी कि अगला विश्व युद्ध होगा तो वो पानी को लेकर होगा, जबकि पानी की संख्या मतलब इतना ज्यादा पानी है, उसके बाद भी देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अब देखते हैं 76 क्वेश्चन नंबर क्या आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को लेके किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 भाषाएं। ठीक है 77 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, भारत के संसद से आशय है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति को, अगर आप महाभियोग लगाएंगे तो अपने राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संघ सूची में कितने विषय शामिल है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपके 97, ये आपका संघ सूची है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 80 नंबर, समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 52 या 52। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। 81 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया जा सकता है? तो दोस्तों आपका शिक्षा जो आता है वो समवर्ती सूची में, इसको आपको ध्यान रखना है, कम से कम आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा की बात इतनी चीजें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न, अब देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं 2016 डीएलएड में। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है, ठीक है दोस्तों बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित क्या है, एक आत्मकथा है। 83 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेर शाह ने कहे थे कब कहा था दोस्तों? मालदेव से युद्ध करने के बाद, ठीक है दोस्तों मालदेव से युद्ध करने के बाद क्या कहा था शेर शाह ने, कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। अब दोस्तों बात करेंगे 84 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अकबर ने, इबादत खाना ध्यान रखना है दोस्तों आपको। अब देखते हैं दोस्तों 85 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, मराठों का सर्वाधिक उत्थान क्या हुआ दोस्तों? इसका आंसर शिवाजी काल में हुआ था, मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके काल में हुआ? शिवाजी के काल में। अब 86 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, विलय नीति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डलहौजी से, विलय नीति और डलहौजी को आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे 87 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, संसद से तात्पर्य है मतलब दोस्तों क्या होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन भी दोस्तों आपको डीएलएड 2016 में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं 88 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। जी हाँ दोस्तों लोकसभा की
जो पदों की नियुक्ति होती है दोस्तों सदस्यों को कौन करता है, जब दोस्तों चुनाव होते हैं उसमें आप लोग वोट करते हैं, उसके बाद लोकसभा में सदस्य आते हैं। अब दोस्तों 89 नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा, भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसका आंसर है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको दोस्तों हमेशा पता होना चाहिए कि जो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है वो होता है हमारे देश के राष्ट्रपति जी। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 24 घंटे। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में अंटार्कटिका अगर आप जाएंगे तो 24 घंटे वहां पर अंधेरा रहेगा। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, उसका नाम दोस्तों क्या होता है, अभ्रक। अब चांदी तो होगा नहीं दोस्तों कि आप लोग सोचे चांदी में उड़ रहा है, ठीक है अबीर में आप देखेंगे ना गुलाल में दोस्तों उड़ता हुआ एक रंगीन पदार्थ होता है अबीर या गुलाल जब उड़ाते हैं आप लोग। 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक में कैगा स्थित है, कर्नाटक में कैगा में स्थित है, क्या स्थित है दोस्तों आपका, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, इसको ध्यान में रखना है। 93 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, सन 1866 में भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई। अब दोस्तों बात करेंगे 94 नंबर क्वेश्चन की, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले WWW का विस्तारित रूप क्या है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो भाई इंटरनेट तो सब लोग यूज करते होंगे ना, किसी वेबसाइट के साथ आगे लिखा रहता है WWW. ये सब। अब दोस्तों बात आती है 95 नंबर प्रश्न की हमारे, कि पूछा गया कि रेंज कहते हैं किसे कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा पर्वत की श्रेणियों को, ठीक है रेंज पर्वत की श्रेणियों को कहते हैं हम लोग। अब देखते हैं दोस्तों 96 नंबर प्रश्न क्या है, अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तानसेन, सभी को पता होगा तानसेन का नाम जरूर सुना होगा। 97 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, पानीपत, जो पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में आपका लड़ा गया, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ध्यान में रखना दोस्तों पानीपत सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाइयों में से एक है। 98 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया दोस्तों कौन सा युद्ध था, अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन को पहले, प्लासी का युद्ध, ठीक है। 99 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया कब दोस्तों, लॉर्ड वेले जली ने, ठीक है दोस्तों सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया कितने, लॉर्ड वेले जली ने। अब दोस्तों देखते हैं आज का 100 नंबर क्वेश्चन की, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका गुजरात, जो आपका प्रसिद्ध गिर वन है वो गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों पहले 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि 100 में से कम अब तक आपने 20 से सही सही प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं है, अगर आपने हाई स्कूल तक इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा और सामाजिक अध्ययन को, तो बस वही दोस्तों क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ भी आपको यहाँ नया देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप BTC या DLED कर रहे हैं तो वहां पर दोस्तों कोई बहुत कठिन प्रश्न पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सदाबहार वन, रबड़ आपने तो बहुत देखा होगा ना। अब दोस्तों बात करते हैं 102 क्वेश्चन नंबर, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका वनों की रक्षा हेतु। देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जब आप लोग अगर अपनी बुक से पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर देखें, ठीक है इसको मिस मत करिएगा। अब 103 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहां पर दोस्तों, केवल लोकसभा में। अब दोस्तों बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका शिक्षा, ठीक है ना, जो केंद्र सूची का विषय नहीं है, देखिए रेलवे तो केंद्र में ही आता है, विदेशी मामले केंद्र से देखे जाएंगे, बैंक भी केंद्र से, तो आपका आंसर शिक्षा ही होगा। 105 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और दोस्तों अगर लोकसभा की बात की जाए तो वहां पर लोकसभा में अगर आपको चुनाव लड़ना है इसके लिए, तो उसके सदस्य के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 से कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों 106 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, भारत ने अपना मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से लिया है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटेन से, जो मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। 107 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा का सभापति होता है कौन होता है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति। 108 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है,
ये दोस्तों आपको बताना, देखिए जो आपका सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में, ये बिल्कुल सही है। देखिए थार का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, ये आपका गलत है। सोनोराम मरुस्थल उत्तर अमेरिका, ये भी आपका सही है दोस्तों। महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। तो दोस्तों आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि आखिर थार का मरुस्थल है कहाँ पर। तो दोस्तों थार मरुस्थल आपका भारत में, कुछ भाग भारत में कुछ भाग पाकिस्तान में भी है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, थार मरुस्थल आपका भारत में। फिलहाल इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कौन था यहाँ पर जोड़ा गलत है दोस्तों, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, जोड़ा जो गलत है वही हमें बताना है। तो मतलब हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर थार का मरुस्थल। 109 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। ठीक है, कंगारू पाए जाते हैं दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं कंगारू, आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कंगारू आपने दोस्तों देखा होगा जब ऑस्ट्रेलिया का मैच होता तो होता है तो कुछ लोग कंगारू कंगारू बोलते हैं, तो कंगारू से आप समझ गए होंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की, कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 712 ईस्वी में, पहली बार जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। 112 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका शाहजहां। वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल दोस्तों कब कहा जाता है, शाहजहां। 113 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित कर ली, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका देवगिरी या दौलताबाद में। 114 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स आपका जर्मनी का निवासी था। अब बात आती है 115 क्वेश्चन नंबर की, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई, ये दोस्तों आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नवंबर सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, 116 नंबर, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 12 सदस्यों को। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, देखिए 2017 में आया हुआ है, लेकिन और भी आपके कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका राष्ट्रपति, है ना। अब 118 नंबर दोस्तों प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्या होगा, 118 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अभी दोस्तों मैं आपको बताया था राज्यसभा के लिए 30 वर्ष था और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। 119 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका राष्ट्रपति। तो ये सब पावर दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति को दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं 120 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती। 121 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जिनेवा। ठीक है ना, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। 122 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जर्मनी ने। 123 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति दोस्तों आ गई। 124 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका जापान, सबसे प्राचीन देश। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 125 नंबर क्वेश्चन की, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा फल से। ठीक है ना, पौधे के फल से प्राप्त होता है। 126 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा आपका, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, ठीक है दोस्तों, या आप इसको ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका शेरशाह ने। 127 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ कब हुआ दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में। अब दोस्तों बात करते हैं 128 नंबर प्रश्न की, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए, दोस्तों आपको यह बताना है, इसका आंसर होगा आपका 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले भी आज पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 129 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आ विकल्प या क्लाइव। 130 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, भारत मतलब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका एशिया। 131 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है, क्या आंसर होगा दोस्तों आपका सौर ऊर्जा।
ये शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है। 132 नंबर दोस्त, हमारा प्रश्न क्या रहा, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया, कब किया गया दोस्तों, वर्ष 2014 में, ध्यान में रखना इसको। अब दोस्तों बात करते हैं 133 नंबर प्रश्न की, रानीगंज कोयला खान स्थित है कहां पर दोस्तों, आपके पश्चिम बंगाल में, ध्यान में रखना है रानीगंज कोयला खान। अब 134 नंबर दोस्तों प्रश्न देखेंगे, न्यायपालिका का कार्य नहीं है कौन सा दोस्तों, कानूनों का क्रियान्वयन करना। जी हाँ दोस्तों, ये भाई न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आता, संविधान की रक्षा करता दोस्तों, मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 135 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है, किसको दोस्तों प्राप्त है, ये आपका दोस्तों आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है महाभियोग लगाकर दोस्तों, ये आपकी संसद हटा सकती है। अब दोस्तों देखेंगे 136 नंबर प्रश्न क्या हमारा, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन होता है दोस्तों, सभी बच्चों को पता चल चुका है इस वीडियो देखने के बाद, आपका राज्यसभा होगा इसका आंसर। 137 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए उच्च सदन आपका तो राज्यसभा हो गया, लेकिन निम्न सदन की बात की जाएगी तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, लोकसभा ना। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, मतलब विकल्प नंबर 7 इसका सही आंसर है। 138 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेलवे सबसे बड़ा ना इंडिया में। 139 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है कौन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों बात करते हैं 140 नंबर प्रश्न की, कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका भू राजस्व, ये आपका केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। 140 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म हुआ था, देखिए दोस्तों हम इसको पहले बता चुके हैं इस वीडियो में, सन 1627 में, देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान में रखने हैं आपको। 142 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, तो भाई नेपाल अगर जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, जिस देश की सीमाएं छू रही मतलब वहां से वो नेपाल पास में पड़ता है, घूम सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 143 नंबर प्रश्न की, न उड़ पाने वाले किसी एकमात्र पक्षी अंटार्कटिका में पाई जाती है, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है आपका पेंगुइन, देखा होगा दोस्तों बहुत क्यूट लगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 144 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना की, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका टॉमस पिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड। अब दोस्तों बात करते हैं 145 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको मृदा संपदा, जो पृथ्वी की हमारी ऊपरी सतह होती है। 146 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, मराठों के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सोचिए आप लोग, इसका आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, फिर से क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, मराठों के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था, तो इसका आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। 147 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को हम लोग कहते थे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके आंसर को क्या होगा, कोठी, कोठी। अब दोस्तों बात करेंगे 148 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज है, ये आपको दोस्तों बताना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। 147 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है कृषि उत्पादन में वृद्धि से, जी हाँ दोस्तों, अब कृषि उत्पादन में वृद्धि ही नहीं होगी तो फायदा क्या हुआ हरित क्रांति का, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि से इसका संबंध है हरित क्रांति का। अब दोस्तों बात करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, केंद्र सूची का विषय नहीं है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सिंचाई, अब केंद्र सरकार आपके घर पे तो दोस्तों आकर सिंचाई कराएगी नहीं, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है खेतों में। 151 नंबर दोस्तों प्रश्न अब देखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अफ्रीका। 152 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है कहां पर दोस्तों आपका, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना आपका मथुरा में। अब दोस्तों देखते हैं 153 नंबर प्रश्न क्या हमारा, भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर राष्ट्रपति, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा 154 नंबर क्वेश्चन आ गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल सन 1935 में,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और दोस्तों अब देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न, भारत के प्रमुख चावल उत्पादक देश प्रदेश कौन से हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश आपको बताना है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पर भाई चावल ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा आज 155 क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने 155 में से अगर 30 से अधिक प्रश्नों पर सही उत्तर दिया है तो मतलब उनको इसका बेसिक नॉलेज है इस विषय का। लेकिन दोस्तों उनको कम से कम वीडियो 5 से 6 बार देखनी चाहिए जिससे कि उनका बेसिक नॉलेज और अच्छे नॉलेज में बदल पाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और एक बात और, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए।